गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पर्क्स एंड ब्रूस पर। आज मैं हैदराबादी दम का चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये हैदराबाद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमें दो ऑनियंस को स्लाइस कर लेना है। अब हम इन प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, और फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हमें काजू, आलमंड्स और धनिया चाहिए। काजू, आलमंड्स और धनिया को ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हम एक दूसरे पैन में 7 काजू लेंगे, 7 आलमंड्स और 1 टेबलस्पून धनिया, और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमें 1 इंच जिंजर लेना है और 8 गार्लिक के पीसेस। अब हम काजू, आलमंड्स और धनिया जो हमने रोस्ट किया था उसे मिक्सर जार में डाल देंगे। जिंजर गार्लिक को डाल देंगे, 2 से 3 ग्रीन चिलीज डाल देंगे। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे पेस्ट बना देंगे। पेस्ट रेडी है। और 250 ग्राम्स दही और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। थोड़ा कोरिएंडर लीव्स चॉप कर लेना है। ये 500 ग्राम्स चिकन है, इसमें हम नमक डाल देंगे। अब चिकन में हम दही डाल देंगे, फ्राइड ऑनियंस, काजू, आलमंड्स और धनिया का पेस्ट को डाल देंगे, चॉप्ड किए हुए कोरिएंडर लीव्स को डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब एक तवे के ऊपर हम पैन प्लेस कर देंगे और गरम कर लेंगे। 2 इलायची, 2 दालचीनी, 5 लौंग और 6 काली मिर्च ले लेना है। पैन गरम होने के बाद इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। ये वही पैन है जिसमें मैंने ऑनियंस को फ्राई किया। अब हम मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस को डाल देंगे। पैन में ऑलरेडी ऑयल है इसलिए मैं और ऑयल यूज नहीं कर रही हूँ। सात से आठ मिनट तक इसे हाई फ्लेम में कुक करना है। 7 से 8 मिनट बाद 1 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज किया है। अब 1 घंटे तक ढक्कन लगाकर लो फ्लेम में कुक करना है, बीच बीच में चलाते रहना है। मैंने चिकन के बहुत सारे अच्छे अच्छे रेसिपीज डाले हैं। चिकन रेसिपीज का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे जाकर जरूर चेक करें। 1 घंटा हो गया है, चिकन को तवे में ही पकाना है क्योंकि ये दम का चिकन है इसलिए ये दम में ही पकेगा। चिकन अंदर तक अच्छे से पक गया है, इसे एक फॉर्क की हेल्प से चेक कर लेंगे। अब पैन को साइड में रख देंगे और एक चारकोल को हम गैस में जला लेंगे। ऐसे चारकोल को हम एक बोल में डाल देंगे और ऐसे पैन में रख देंगे। अब हम चारकोल में पिघला हुआ घी को डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। इस स्टेप को बिल्कुल स्किप ना करें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है हमारे चिकन को। और मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके।